मूसा के द्वारा इसराइलियों को पुराने नियम में कहा क्या दी, अगर आप पंजाबी में बोलते व्यवस्था सार और हिंदी में व्यवस्था विवरण, उसकी 28:1 में लिखा, यदि तू उसकी सब आज्ञाओं को चित लगाकर चौकसी से पूरा करेगा तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों, नोट करो मैं पढ़ता हूं, लिखा, वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों से क्या करेगा, क्या करेगा, नीचा के ऊंचा, ऊंचा होना चाहते तो फिर क्या करना पड़ेगा, हाँ, कहता चित लगा के चौकसी से पूरी करना, तो वह तुझे ऊंचा करेगा, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण सब आशीर्वाद तुझ पर आएंगे, धन्य होगा तू नगर में खेत में, धन्य है तेरी संतान तेरी भूमि की उपज। कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर क्या कहते हैं, हाँ साडा ते वो लेडी है, इनका बच्चा नशा करता है, किस चीज का नशा करता है, शराब भी पींदा, और जवान बेटा है, और एक माँ अपने जवान बेटा अगर इस तरीके से वो करे तो उसका मन दुखता है कि नहीं दुखता। तो ये रो रहे थे, एक दिन आए थे, मैंने कुछ पूछा और ये रोने लगे ऊंचा ऊंचा, मैंने कहा नहीं रोने से नहीं, क्योंकि रोने से कुछ नहीं होगा, सारी उम्र रोते रहो कुछ नहीं होगा, बोलो क्या, सारी उम्र रोते रहो कुछ नहीं होगा, पर किसकी बात को सुनने से और समझने से होगा, किसकी बात को सुनने और समझने से पूरा होगा, इसलिए क्या कहता है, धन्य है तेरी संतान, हाँ आपकी संतान धन्य होगी, फिर उसकी परमेश्वर का अनुग्रह कि जब आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे उस पर चलोगे तो नेचुरली आपकी जो संतान है उस पर परमेश्वर की ग्रेस का हाथ रहेगा, क्या रहेगा, मैं अपने बच्चों की गवाहियां देता हूं कि नहीं देता, कैसे खुदावंद ने उनके जीवन में बड़े बड़े काम किए, और कब होते हैं, जब आप परमेश्वर की आंखों पर चलते हो, आप पूरी तरह खरियाई से चलते हो, अगर आप खरे मन से नहीं चल रहे वही दुख बच्चों का आपको दबाएगा और आपको आपके जीवन में बीमारी को पैदा करेगा, और जो अपने 20 साल 10 साल और जीना वो खत्म करेगा साल में आपके जीवन में, कहता धन्य है तेरी संतान तेरी भूमि की उपज गायें भेड़ बकरी बच्चे आदि पशु, धन्य है तेरी टोकरी कठौती, धन्य है तू भीतर आते समय और धन्य है तू बाहर जाते समय, हाँ लोग जब घर से बाहर जाते पता चला वो एक्सीडेंट हो गया उसकी मौत होगी, क्या होगी, एक्सीडेंट हुआ उसकी मौत होगी, कहता धन्य है तू बाहर और अंदर भीतर आते समय और बाहर जाते समय, पर कब, जब तू मेरी आंखों को चित लगाकर मानेगा और पूरा करेगा, हाँ लोग कहते वो जवान बेटा एक्सीडेंट से मरे, लोग बोलते नशा किया था उसने, ना 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 कोई नशा नहीं करता, पर तुम्हें क्या कह रहा है, अगर आप उसकी आंखों को मानोगे तो अंदर जाते बाहर जाते आप धन्य हो, धन्य, आमेन, हालेलुया। और यही ये आशीष वचन है, क्या है, इसी 28 का अगर आप 15 पढ़ो तो 15 में लिखा, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी आज्ञाओं विधियों के पालने में जो मैं आज तुझे सुनाता चौकसी ना करे तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे, वही आशीष वचन शराप में बदल जाता है, आप फिर कहते मैं तो प्रभु में जाती हूं, हाँ मैं तो मीटिंग में जाती हूं, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, चेक कर, चेक करो, चेक क्या करो, अपने आप को चेक करो, चेक क्यों नहीं हो रहा, क्यों आपका बच्चा नशन छोड़, क्यों आपके काम सफल नहीं हो रहे, चेक करो। यूहन्ना कहता 5:3 में परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं, क्या है उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, आप बरकत चाहते हो और बोना नहीं चाहते, हाँ आप परमेश्वर से बरकत चाहते हो परमेश्वर मुझे ब्लेस करे, मगर आपका 20 बोले में आपका मन परमेश्वर पर नहीं पैसों पर है तो कैसे परमेश्वर ब्लेस करेगा, और उसी उसी चीज से मुड़के शैतान बाद में आपके नुकसान करेगा, क्या करेगा, मैं क्या कह रहा हूं, जिस चीज के अभिलाषा में जकूब कहता हल, परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता, पर हालात कब आते जब इंसान अपनी अभिलाषा में जीता, अभी हमने
अनाउंस किया था साउंड के लिए हमें कुछ चीजें चाहिए, कितने लोग आगे आए, कितने लोग आए पता है, जिसने किया उसे पता, जिसने नहीं किया उसे भी पता है। हमने अनाउंस किया कि हमने साउंड की कुछ चीजें चाहिए, आधे लोग आए। अगर सारे करते तो हम कुछ जो चीजें रह गई वो भी लेते, पर नहीं आए। यीशु मसीह कहता जिसके कान है वो सुने, क्योंकि जिसने सुना वो पूरा करेगा, जिसने नहीं सुना वो नहीं करेगा। इसलिए कहता है यदि तू मेरी सब आंखों को चित लगाकर माने तो मैं तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करूंगा, श्रेष्ठ करूंगा, ऊंचा करूंगा। और वही आशीष वचन श्राप में बदल रहा है। और फिर आप कह रहे हो मैं तो मीटिंग में आ रही हूं, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, मैं बीमार क्यों। ध्यान से समझो, क्योंकि परमेश्वर की बातें उसकी सच्चाई समझने वाली। इसलिए वो कहता तिमोथियस के द्वारा, परमेश्वर ने अपने दास प्रेरित पॉल के द्वारा तिमोथियस को वचन दिया, परमेश्वर का वचन उपदेश समझाना और सुधारना धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और मसीह की दे उन्नति पाए। क्योंकि हम किसकी दे, हम किसके अंग है, ये शरीर किसका है, किसने हमें बनाया है, अब किसके दिए हुए सांव ले रहे हो ना, कौन आपको दे रहा है, और आप जीवित हो, आप जिंदा हो, क्या करोगे, किस साइड भागोगे। दाऊद कहता मैं काश में जाऊं तो वहां पे भी है, समुद्र पार जाऊं मैं वहां पे भी, हाँ पताल में चला जाऊं तो वहां पे भी। और कुछ लोग करते हैं मगर आधा करते हैं, कुछ लोग करते हैं अपना करते हैं, अपने पति का नहीं करते, ऐसे भी चल रहा है। परमेश्वर आपको कहता है मैं यदि तू मेरी आंखों को चित लगाकर मानेगा तो मैं तुझे पृथ्वी की सब जातियों से क्या करूंगा, ऊंचा करेगा, क्या करेगा, ऊंचा के नीचा। ऊंचा होना चाहते हैं, कितने लोग ऊंचा होना चाहते हैं, हाँ। हन्ना रोती रही मुझे परमेश्वर क्या दे दे। एक दिन परमेश्वर के लिए मन खोला, किसके लिए मन खोला, परमेश्वर के लिए मन खोला, रोती रही रोती रही परमेश्वर के लिए मन खोला। अगर तू मुझे देगा बच्चा तो मैं वो भी तेरे भवन को, मैं तेरे भवन में उसे दे दूंगी, तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। अपने क्या परमेश्वर के लिए किया आज तक, हाँ क्या किया बोलो, अपने शरीर के लिए, अपनी जान के लिए हजारों लाखों खर्च किए, पर परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं। देखो परमेश्वर अगर सिखा रहा है, अगर आप नहीं मानोगे तो, अगर आज उसका वचन सुनते हो समझते हो, मैं आपके लिए फिर प्रोफेसी करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं, जो काम सालों से नहीं हुए आज के वचन से होने वाले यीशु मसीह के नाम से। मैं क्या कहता हूं, मैं फिर प्रोफेसी करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं इस बात की, इस वचन के साथ, जो काम आपके महीनों से सालों से नहीं हुए इस वचन से होंगे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि वो आख्याओं का परमेश्वर है, बोलो क्या है, वो आख्याओं का परमेश्वर है। कहता जो मेरी नहीं मानते उनको मैं पितरों को, परतोतों को, पोतों तक मैं दंड देता हूं, पर जो मेरी मानते हैं उन हजारों पर मैं करुणा करता हूं। क्या करता हूं मैं, उन हजारों पर करुणा करता हूं। क्या करोगे, कहां पे भागोगे, क्योंकि काश पे भी है, पताल में भी है, समुन्द्र पार भी दौड़ कहता जाऊं, अंधेरे में मैं छिपाऊं तो वहां पे मैं कहां, तेरी हजूरी से मैं अब भाग कर कहां जाऊं, क्योंकि तू सब जगह है। क्या है वो सब जगह, क्या करोगे, किस साइड भागोगे, किस साइड परमेश्वर का अपने आप से इनकार करोगे। समझ आ रही है, कितनों को समझ आ रही है, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष करे। इसलिए उसने आशीष वचन भी दिया और कहता जब मानोगे तो आशीष पाओगे, नहीं मानोगे तो वही आशीष, सेम वही वचन। कहता शापित है तू नगर में, शापित है तेरा खेत, तेरी संतान, तेरी टोकरी, संतान, भेड़ बकरी, तेरी जमीन, सब चीजें जो आशीष है वो श्राप में बदल जाती है। चाहते हो कि परमेश्वर हमें ब्लेस करे, आंखें बंद करो और अपने मन को खुदा की ओर लगाओ और इन बातों का मनन करो।
इन बातों का मनन करो। मैंने कहा कि बंद करो और अपना ध्यान स्वर्ग की परमेश्वर की ओर लगाओ, जिसका वचन आपने सुना, क्योंकि वो जलन रखने वाला परमेश्वर और वो एक ही परमेश्वर, उसके अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। मैंने कहा वो एक ही परमेश्वर है और उसके अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। जो कहता जो नहीं मानते उनको मैं दंड देता हूं, जो मानते उन हजारों पर मैं करुणा करता हूं। मांगो खुदा से। उसने कहा छह दिन तक अपने काम करना, उसने कहा छह दिन तक अपने काम करना और सातवां दिन तुम्हारे यहोवा परमेश्वर का विश्राम का दिन है। कहता जी तू कहते मैं सत्य को जान गया हूं, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, तू झूठा है। फिर आओ अपने मन को। कहता हे, उसने कहा हे मेरे पुत्र, क्योंकि वो चाहता है कि तू पाप ना करे, अपने पाप से मन को फिराओ, फिराओ, फिराओ। अब जिसके लिए कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो, अपने पाप से मन को फिराओ, 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 अपने मन से अपने पापों को मन फिराओ। कहता तू अपने पापों से मन फिराएगा तो तुझ पर ध्या की जाएगी। वचन कहता तुझ पर ध्या की जाएगी। अगर तू कठोर करे अपने मन को करेगा तो और विपत्ति में फंसेगा। जिन लोगों के बच्चे पति प्रभु की हजूरी में नहीं आते, उनके लिए आज प्रार्थना करो, वो आएंगे। मैं कहता हूं प्रार्थना करो उन लोगों के लिए, अपने पति के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए। मैं फिर प्रोफेसी करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं कि वो आएंगे। प्रार्थना करो उन लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने प्रार्थना करो और मांगो। बाइबल बताती मांगो तो दिया जाएगा, बाइबल बताती मांगो तो दिया जाएगा। मनन करो, मनन करो इन सब बातों का जो आज आपने सीखा, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है, उससे पहले आप जानते हो आपके मन में क्या है। आपको पता है मैं कौन सी आज्ञा मानती हूं, मानता हूं, मैं प्रभु की हजूरी में कब कब आती हूं, कब कब नहीं आता, क्योंकि बाइबल हमें बताती है परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता। उसने आपको आजाद किया है, बाइबल बताती है कि अपनी आजादी में स्थिर रहो और गुलामी के जुबे में फिर से ना जाओ। मनन करो इन बातों का, मनन करो, मनन करो, मनन करो, मनन करो आपके रास्ते खुलने वाले यीशु मसीह के नाम से।